हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ डिज़ाइनर पर्सनल हैंडबैग। और इसमें हमें सामान चाहिए 12x12 के 2 पीस क्विल्टेड, जो इस तरह से मैंने आज तैयार किए हैं। आज देख रहे होंगे आप कि इसकी लुकिंग एकदम अलग है। इसकी सारी क्विल्टिंग मैंने उषा जनोम मैजिक स्टिच से की है। और ये जो पैच देख रहे हैं आप, ये पैच भी मैंने इसी में अपने हाथ से ही लगाया है। और जिसमें ये पैच अलग से था, इसमें ये मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी करके उसमें मिरर लगा के और इसके बाद पैच में ये डिज़ाइन उसी उषा जनम से ही दी है। उसके बाद दोनों को जिगजैग से पूरा इसी में पैच लगाने के बाद ये आउटलाइन से इसका लुकिंग दिया है कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे कि ये कितना अलग तरीके की क्विल्टिंग है। और ये जो क्विल्टिंग है ये भी उषा जनम में की है। उषा जनम पहले ये क्विल्टिंग की, उसके बाद ये पैच तैयार करके लगाए गए हैं। तो इसके 12x12 के 2 पीस हमें चाहिए होंगे। फिर इसके बाद है 2 पीस प्लेन। इसके साथ हमें 2 पीस प्लेन चाहिए 12x12 के ही, जो इस तरह से होंगे। क्योंकि यहाँ पर ये कलर है हमारा, इसी कलर का हमारा हैंडल होगा, इसी कलर का हमारा बॉर्डर होगा, इसी कलर की हमारी पाइपिंग होगी, तो इसी कलर का ये अंदर का पूरा मटेरियल होगा, जो देखने में लुकिंग वाइज अच्छा लगे। क्योंकि ये हम डिज़ाइनर बना रहे हैं, तो डिज़ाइनर है तो उसी हिसाब से हमें काम भी करना होगा। नहीं तो देखिए पीछे ब्लैक है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये 2 क्विल्टेड हो गए और 2 प्लेन पीस हो गए। इसके बाद है 9x12 के 4 पीस प्लेन। और ये हमारे 9x12 के 4 पीस है। 2 पीस ये हैं, 2 पीस ये हैं, 4 पीस ये भी उसी कपड़े के होंगे प्लेन। फिर उसके बाद में लिखा है 7x12 इंच का 1 पीस प्लेन। 7x12 इंच का 1 पीस प्लेन ये है। ये 12 इंच है, ये 7 इंच है। और इसमें एक साइड मैंने पहले से सिलाई कर दी है, ये आपको दिखाई देगी। एक साइड 3 साइड से नहीं किया है। फिर इसके बाद मैंने लिखा है 5x12 इंच का 1 पीस प्लेन। ये इस तरह से तैयार किया है। इसमें भी एक साइड में पूरी 12 इंच की तरफ हमने पूरी सिलाई कर रखी है। फिर इसके बाद हमें चाहिए जिप 12 इंच की 4 पीस। जिप में 12 इंच की 4 पीस चाहिए होंगी, ये मैंने काट के रखी हैं। और एक जिप चाहिए होगी हमें 15 इंच की। रनर हमें 6 पीस चाहिए होंगे। बेल्ट हमें चाहिए होगी 22 इंच की, पूरा एक सेट जो मैंने इस तरह से तैयार किया है। इसके अंदर वायर पड़ा है और इसके ऊपर उसी कपड़े का ही कवर चढ़ाया है। और वायर जो है बहुत दूर तक नहीं है, यहाँ पर करीब 2 इंच का कपड़ा छोड़ दिया गया है ताकि ये सिलाई में हमारा आसानी से आ जाए। तो ये बेल्ट, इसके अंदर वायर है मोटा, एक बार मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो इस तरह से हैंडल तैयार कर लें। और ये फिर पाइपिंग हमें चाहिए इसी कलर की, क्योंकि बाकी हमारा जो फ्रंट का और बैक का जो पीस है वो रेड कलर का है, तो इसके साथ ही ग्रीन ही अच्छा लगेगा। तो ग्रीन कलर की पाइपिंग ले ली है। और एक हमें की रिंग चाहिए होगी कुछ इस तरह से, कोई भी आप ले सकते हैं की रिंग जो उस बैग के साथ आपको अच्छी लगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया है 5x32 इंच का, ये मैं लिखना भूल गई थी, बाद में लिखा है इसलिए आपको शायद छोटा दिखाई दे। मैं ऐसे बता दे रही हूँ, ये जो बॉर्डर का पीस है ये 5x32 इंच का है पूरा 1 पीस में। तो इतना हमें सामान चाहिए। अब चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम 12 इंच के दोनों 12x12 के दोनों पीस लेंगे और पहले हम उसको तैयार करेंगे। तो 12x12 के जो 2 पीस हैं हमारे, उनमें यहाँ पर 3 इंच डाउन जा करके, ये देखिए 3 इंच पर मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है। ये एक साइड से 3 इंच डाउन जा करके दोनों पीस को हम बराबर रख के कट कर लेंगे। ये 12x12 का पीस है, दोनों पीस एक साथ रख के 3 इंच डाउन जा करके इसको हम बराबर कट कर लेंगे। और फिर दोनों में हम एक एक करके जिप लगा देंगे। जो 12 इंच की जिप है
उसको हमें यहाँ पर लगाना है। इसमें से जो हमने ये 3 इंच का पीस अलग कर दिया था, इसको भी इसी में जोड़ देंगे। और ये बैग हमेशा कंट्रास्ट कपड़े में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कंट्रास्ट में प्लेन कपड़ा नहीं है तो आप बैक और फ्रंट साइड का जो कपड़ा है वो प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडर्ड पहले से भी ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं पैच लगाएं, मिक्स मैच अच्छा होना चाहिए कपड़े का, बस कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए तो बैग अपने आप अच्छा बन जाता है। इसमें भी हम फिनिशिंग दे देते हैं। इसमें एक रनर डाल देते हैं, एक एक पीस हम कंप्लीट करते चलेंगे, लगाते चलेंगे। तो प्रोसीजर वाइज जो है ये सब बनेगा और लगेगा, तभी बैग कंप्लीट होगा। हमारा एक तैयार हो गया, अब दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। इसमें भी 4 इंच की जिप लगेगी, 12 इंच की जिप लगेगी। जो पीस हमने काटा था उसको लगा देंगे। इसमें भी रनर डाल देते हैं। और इसमें जितने भी पॉकेट हैं वो बनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि
ये वाकई पूरी तरह से पर्सनल बैग है। अब ये जो हमने सिला है इसको हम इसमें लगा देंगे इस तरह से, इसके ऊपर लगा देंगे, चारों तरफ से इसको हम सिल देंगे। यहाँ पर ये जिप लगने की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया है। जो बड़ा पीस है उसको हम इसी समय तुरंत काट देंगे। ये हमारा एक पार्ट तैयार हो गया और एक पॉकेट हमारी तैयार हो गई। तो ये हमारा भी बैक साइड तैयार हुआ है। अब ये हमारा फ्रंट साइड है, इसमें भी हम इस तरह से लगा देंगे इस तरह से। तो दो पॉकेट तो आपके सामने कंप्लीट हो गए। अब ये हमारी आगे पीछे की तैयारी हो गई है, दो पॉकेट हमको मिल गई है। अब इसमें हम जो हमारा 9x12 इंच का पीस है उसमें उस कपड़े को लेंगे, और ये हमारे 4 पीस थे तो उसमें हम एक पीस लेंगे अभी 4 पीस में से, और इसमें 7x12 इंच का पीस यहाँ पर लगा देंगे। 12 को 12 से मिला देंगे और इसको हम पहले बीच में हाफ एंड हाफ पर निशान लगा करके और उस पर हम मशीन चला देंगे। तो यहाँ पर हमारी दो पॉकेट ये तैयार हो जाएंगी। ये हमारा सेंटर आ गया, इसको बराबर से रखेंगे और यहाँ पर पहले हम मशीन चला देंगे। पॉकेट स्टाइल में मशीन चलेगी। डबल मशीन जैसा कि शर्ट की पॉकेट वगैरह में होता है इस तरह से। ये जोड़ दिया, अब हमें ये जो बाकी साइड है इसका वो जोड़ देंगे। ये हमारी दो पॉकेट
यहाँ भी कंप्लीट हो गई है, एक ये पॉकेट एक ये पॉकेट। अब इसमें भी हम जिप लगाएंगे और 12 इंच की एक फिर जिप लेंगे और इसमें हम लगा देंगे। सॉरी, इसको हमें इधर से लगाना है, दूसरी तरफ से। ये जो पॉकेट है हमारी, ये अंदर आनी चाहिए, इसलिए ये जिप हमारी इधर से लगेगी। इसमें हम लगाएंगे जिप के अपोजिट साइड से, हमें ये जिप लगानी, अरे पॉकेट के अपोजिट साइड से हमें ये जिप लगानी है। अब इसमें हम दूसरा 9x12 का पीस लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। फिनिशिंग दे देते हैं। अब इसमें भी रनर डाल देते हैं। ये हमारा रनर पड़ गया और ये अब हम इसको इस तरह से बंद करेंगे और इसको अभी हमें बंद केवल उल्टे साइड से करना है, इस तरह से। ये जिप उल्टी होनी चाहिए, इसको अभी केवल बॉटम इसका हम बंद करेंगे, साइड नहीं बंद करेंगे, इसका बॉटम बंद कर देते हैं। अब इसको हम पूरा सीधा करेंगे, ये सीधा हो गया हमारा इस तरह से। और ये जो हमने नीचे इसका बॉटम सिला था, उस पर हम डबल मशीन बाहर से चला देंगे, क्योंकि ये हमारी पॉकेट है भी। और पॉकेट में मजबूती होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही आसान है बनाना, सामान ज़्यादा है, डिज़ाइनर बैग है, बनाना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब ये नीचे से इसका बॉटम भी हमारा मजबूत हो जाएगा। अब हम इसकी साइड सिल देंगे जो हमने इसे लगाई है, ये दोनों इस तरह से मिला के सिल देंगे। यहाँ
यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे। दूसरे साइड भी बंद कर देंगे इस तरह से। ये हमारी एक पॉकेट तैयार हो गई है इसके अंदर, और इसके अंदर हमें दो पॉकेट मिलेंगी। ये जो दो पॉकेट हैं ये खास तौर पे मोबाइल और कीज के लिए बड़ी पॉकेट बनाई गई है। ये 7x9 के पीस में 9x12 के पीस में 7x12 का पीस अंदर लगा है, ये अंदर पॉकेट रहेगी इसके। अब इसको हम जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है इसमें यहाँ पर लगा देंगे। ये जो हमारी जिप है बस इससे थोड़ा नीचे रखेंगे और इसके साथ इस तरह से सिल देंगे। यहाँ से 1 इंच हमारा ऊपर होना चाहिए। इस तरह से दोनों पीस को मिलाकर सिल देते हैं। ये हो गई हमारी पूरी 1 पॉकेट, 2 पॉकेट, 3 पॉकेट, 4 पॉकेट और ये हमारी 5 पॉकेट। तो 5 पॉकेट इसमें हो गई। अब हम दूसरा 9x12 का पीस लेंगे और इसमें 5x12 का पीस लगा देंगे, और इस 5x12 के पीस में इसको हमने 4 इंच में डिवाइड कर दिया है। आप चौक का निशान देख रहे हैं, ये हमने 4 इंच पर इसको डिवाइड किया है। एक साइड में इसको हमने सिल दिया है और इसको ऊपर रखते हुए दोनों बाटों को मिला के इस तरह से, और जो निशान लगाया है पहले हम उस पर मशीन चला देंगे। थ्री पॉकेट हमारी यहाँ भी रेडी हो गई है। अब इसमें भी हम एक यहाँ पे जिप लगा देंगे, और अब की हमारी ये जो पॉकेट है ये बाहर रहेगी। इसमें भी 12 इंच की एक जिप लगाएंगे। अब की ये पॉकेट हमारी बाहर होंगी।
दूसरा 9/12 का पीस जोड़ दिया जाएगा। एक रनर और अब इसको भी हम सीधा ही सिलेंगे। सॉरी, पहले हम बॉटम जोड़ देंगे। बॉटम तो सिलाई तो अंदर होनी चाहिए, इसलिए इसको हम सिल देंगे। इसको भी उलट के और डबल मशीन चलाएंगे। जब हम मार्केट जाते हैं तो जब बैग वगैरह लेते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या गारंटी, कितने दिन चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल, कुछ क्या गारंटी दोगे। तो वो तो दुकानदार की बात होगी, लेकिन जब हम खुद बनाते हैं तो डबल मशीन इसीलिए चला लेना चाहिए कि हम अपने आप को कोई कहीं से दोष ही ना पाए। दूसरे से तो हम पूछ लेते हैं, लेकिन हमसे पूछने कौन आएगा जब हम ही गलती करेंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब किसी दूसरे से डिमांड करते हैं तो वो काम हमें खुद भी करना चाहिए। और ये हमारी अगली पॉकेट तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा काट देते हैं धागा वगैरह, मैं हमेशा बढ़ा के लेती हूँ क्योंकि मुझे बताना होता है आप लोगों को। अब हम इसको बैक साइड वाले में लगाएंगे और इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पॉकेट थी ये इस साइड आनी चाहिए। जो हमने 12x12 का पीस जोड़ा है तो ये जो खुली पॉकेट है ये हमारी इस साइड आनी चाहिए। इसमें तो ये हमारी पॉकेट है अंदर चली गई है, यहाँ से ये खुला हुआ है, ये खुला ही रहेगा क्योंकि हमें और भी पॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो बड़े पॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। और तो इसमें तो वो पॉकेट अंदर चली गई, 9x12 वाले में ये पॉकेट अंदर चली गई 7x12 की। अब ये जो हमने 5x12 की पीस पॉकेट बनाई है, 3 पॉकेट, ये हमारी इस साइड आएंगे अंदर की तरफ, इधर प्लेन होगा, इधर हमें कुछ नहीं रखना है। अब इसको हमें उसी तरह से जोड़ देना है, नीचे से 1 इंच ऊपर रखते हुए इस तरह से जोड़ देंगे। और ये पूरी तरह से पर्सनल हैंडबैग बनेगा। और ये आपको मैं सही बताऊं तो अब की मैं जब जर्नी पर गई थी तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा बैग होना चाहिए जिसमें काफ़ी सारी पॉकेट हों, जो हमको बार बार बड़े अपने सूटकेस या बैग वगैरह न खोलने पड़े। तो हमारी चीज़ें हमारे पास ही हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मैंने सोचा कि इस डिज़ाइन को ये ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 पॉकेट हो गई, 3 पॉकेट हमारी इसमें आ गई जो बहुत नीचे हैं,
जो उसमें से सामान गिर ही नहीं सकता, और ये हमारी पूरी एक प्लेन पॉकेट आ गई है यहाँ पर। इस पॉकेट जो 9x12 की जो पीस हमने जोड़े हैं उसमें अंदर कोई पॉकेट नहीं, उसके बाहर पॉकेट है। तो हमारी 1 2 3 4 5 पॉकेट इधर आ गई। तो ये हमारी 10 पॉकेट्स, 5 इसमें और 5 इसमें, 10 पॉकेट्स तैयार हो गई। अब हमारा अगला काम है बेल्ट लगाना। बेल्ट लगाने का सीधा तरीका जो मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को, ये हमारा 12 इंच है, 6 इंच पे निशान लगाया, फिर हमने 3 इंच पर यहाँ निशान लगाया, फिर यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाया। सिंपल मेजरमेंट है। और ये जो बेल्ट अब हमने बनाई है, अब इसको हम यहाँ पर जो हमने कपड़ा रखा हुआ है इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, इसी निशान के ऊपर जोड़ेंगे। और करीब 2-3 बार मशीन चला रहे हैं जिससे कि ये मजबूत हो जाए। अब इसमें वायर पड़ा हुआ है तो ये थोड़ा सा तनेगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप्स दे दूं कि अगर आपके पास बैक बेल्ट बनाने वाले वायर नहीं है, तो आपके पास अगर घर में मोटी केबल पड़ी है या कोई पतली पाइप पड़ी है, तो आप उसका उसको भी अंदर डाल के, अगर वो वेस्ट है तो आप उसको भी अंदर डाल करके और अपना हैंडल तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो अब दूसरे में भी लगा लेते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जिप सारी जिधर है उधर ही हमारा हैंडल भी होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ भी हम बेल्ट लगा लेते हैं। अब इसमें हम अपनी 15 इंच की जिप लगाएंगे। जो हमारी 15 इंच की जिप है अब इसको जिप को हम इस तरह से रखेंगे और लगा देंगे। अब इस पे हमें पाइपिंग लगानी है। और इसमें हमने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। अभी ये जो हमारा 15 इंच का एरिया बाहर निकल आया है इसको थोड़ा खोलना होगा। ये इसको हम खोल देते हैं और इसके बाद हम में अब हम बॉर्डर जोड़ेंगे। एक तरफ तो जिप लग गई, दूसरी तरफ बाद में लगा लेंगे। अब हम इसमें बॉर्डर जोड़ते हैं और बॉर्डर जो है बॉर्डर हम इसमें जो जोड़ना है, तो ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है यहाँ से हम 2 इंच डाउन जा करके, ये ठीक है ना, 2 इंच इधर और ये 2 इंच इधर निशान लगा लेंगे। और उसके बाद सॉरी पाइपिंग इसमें जोड़नी थी, इसमें हम साइड में पाइपिंग जोड़ेंगे जो हमारा 5x32 इंच का जो पीस है उसके दोनों साइड में पाइपिंग लगानी है। इस तरह से इसका ये जो एरिया है सामने का इसे हमें बंद करना है। और इस साइड
दोनों साइड इसका हमें बंद कर देना है। इस बॉर्डर को हम इसमें जोड़ेंगे। ये जो हमने 2 इंच डाउन निशान लगाया था वहां से इसको बाहर की तरफ से जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से रखेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। ये जो हमारी बेल्ट है ये बढ़ रही है, तो इसको इसमें इस तरह से एक प्लेट दे देंगे तो ये हमारा डिजाइन का भी काम कर देगा और बेल्ट भी हमारी सेट हो जाएगी। ये देखिए एकदम परफेक्ट आ गई है। ये तरीका होता है बेल्ट लगाने का। मान लीजिए कभी आपकी बेल्ट बढ़ जाए तो उसको बाहर की साइड से एक प्लेट दे दीजिए, तो एक डिजाइन भी आ जाती है इस तरह से और सिटिंग भी आ जाती है। ये यहाँ पर ये जो पीस बढ़ रहा था इसको मैंने यहाँ पे एक प्लेट दे दी, ये हमारे पूरे साइज में आ गया है। अब इसमें हम फाइनली पाइप लगाएंगे, एक एक हिस्सा इसका कंप्लीट करते चलेंगे। तो इसमें हमें अभी यहां से जोड़ते हैं इसको इस तरह से। जिप हटा करके और इसको हम यहाँ पर पाइपिंग जोड़ देंगे। पाइपिंग उल्टे साइड से जोड़ेंगे ताकि सिलने पर जब हम पलट के आए तो पूरी सफाई के साथ हमें पाइपिंग जोड़ दें। पाइपिंग की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच लिए है। पाइपिंग अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कितनी पाइपिंग लेनी है। पाइपिंग जो भी आपका, अब जैसे 12x12 का बैग बन रहा है तो पूरे 12x12 को 4 से मल्टी कर दीजिए और उससे भी बढ़ा करके पाइपिंग पाइपिंग ज़्यादा भी बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बची रहती है तो अगले उसमें काम आ जाती है। तो पाइपिंग जहाँ जहाँ लगानी है उस एरिया को आप नाप लीजिए और फिर उसमें पाइपिंग आप काट लीजिए। और मेरी तो आदत है जब मैं सिलाई करने बैठती हूँ तो मेरी हर चीज़ थोड़ी बड़ी हुई जरूर रहती है, कभी कभी कम भी पड़ जाती है, लेकिन मैं आप लोग को बता ही देती हूँ।
यहाँ पर भी हम थोड़ा खोल देते हैं जी। एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको हम यहाँ पे काट देते हैं। अब इस पाइपिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देर पहले होती रहती है, मेरी मशीन उसी में फंसती रहती है। हम इसको यहाँ पर फाइनल कर देते हैं। जितने भी धागे वगैरह हैं उनको अंदर कर देंगे और फाइनल कर देंगे। और इसमें मैंने क्रॉस पट्टी नहीं ली है, सीधी पाटी में सीधा जोड़ना था। यहाँ पर कॉर्नर पे कॉर्नर बनाना है खूब अच्छे से सफाई के साथ। कॉर्नर बनाते हुए इसको हम तब मोड़ेंगे। अब देखिए जैसे जैसे पाइपिंग लग रही है मैचिंग के साथ इसकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी। बॉर्डर हमारा कंप्लीट है। अब इसमें हम दूसरा बॉर्डर ये दूसरा पीस भी जोड़ देंगे सेम 2 इंच डाउन पर इस तरह से। और इसमें हम साथ में पाइपिंग जोड़ते चलते हैं तो काम हमारा आसान हो जाएगा। 2 इंच डाउन पर पहले हम इसको पकड़ लेते हैं और ये जो पाइपिंग है इसको रख लेते हैं इस तरह से। इस तरह से इसको रख के सिल देंगे। ये ध्यान रखना है कि हमारा जो निशान है वो 2 इंच पर ही होना चाहिए, नहीं तो बेल्ट हमारी ऊपर नीचे हो जाएगी। इस तरह से
कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए सिल देना है। अब चूंकि चौक से निशान अंदर लगाया था तो कॉर्नर देखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए इसको पहले से पकड़ना होगा। दूसरा साइड और 2 इंच पर आधा परफेक्ट है, इसको हम छोड़ देंगे। सारी सफाई इसकी इसी में है, बाहर के हिस्से में, क्योंकि अंदर तो पॉकेट वगैरह है, वो एकदम सिंपल है। फिनिशिंग पूरी बाहर हमें लानी है। देते हैं और इसमें हम फिनिशिंग दे देते हैं। इधर से देखिए एकदम परफेक्ट जुड़ गया है इस तरह से, और इसको हमें फिनिशिंग देनी है। दूसरी तरफ भी पाइपे मोड़ेंगे। हमारा आखिरी कॉर्नर हमारा पाइप कुछ अभी इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हमें ऊपर की जिप लगानी है, जो कि हमने गलती से शायद पहले ही जोड़ दी थी, तो चलिए कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, खोलना नहीं है उसको, और इसको अब हम यहाँ से पाइपिंग से कवर करेंगे। पाइपिंग इसी तरह जोड़नी है, अंदर साइड से बाहर की साइड लाएंगे इस तरह से,
और इसको थोड़ा बढ़ाते हुए, ये पाइपिंग यहाँ की थोड़ी बढ़ाते हुए और इसको हम लगाएंगे। नीचे का इसका ध्यान रखना है, बाहर की तरफ रहे और अंदर की पॉकेट वगैरह भी अंदर ही रहे, उसके साथ ना सिलने पाए। और ये जो हमारी 15 इंच की जो जिप थी, इसमें पूरा जो बाहर 3 इंच और निकला हुआ है जिप का हिस्सा, उसमें भी हमें पाइपिंग लगानी है। इसको भी थोड़ा यहाँ बढ़ा के काट देते हैं। अब इसमें हम फिनिशिंग दे देते हैं, इस तरह से पाइपिंग अंदर ही रहेगी, सॉरी जिप बाहर ही रहेगी, और इसके ऊपर हम यहाँ पे अंदर की तरफ पाइपिंग दे देंगे, ताकि ये जो हमारा मशीन का जो सिलाई है ये दिखाई ना दे। सॉरी थोड़ी सी यहाँ फिर गड़बड़ हो गई है, पाइपिंग हमें ऊपर से देनी थी, 2 मिनट लगेगा। कहते हैं अंत भला तो सब भला, और मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है। चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं ना गिरते हैं सवार ही मैदान में जंग में, तो हम लोग के लिए तो ये मशीन मैदान जंग की तरह है। चलिए ये हो गया, अब इसको हम यहाँ पर इस तरह रखेंगे, जिप यहाँ रखेंगे, ये सीधी जिप हमें यहाँ लानी है और ये पाइपिंग इधर लानी है ऊपर, बीच में हमारा मेन पार्ट रहेगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह से देंगे। पाइपिंग थोड़ा बाहर की तरफ बढ़ा के रखेंगे, हमेशा बताती हूँ कि मैं केवल एक इमेजिनेशन पे काम करती हूँ, मैं पहले इसको प्रैक्टिस नहीं करती, इसलिए थोड़ा सा उधड़ना बोलना मेरे साथ हो जाता है, मेरे दिमाग में चलता रहता है कि इसके साथ ये जोड़ना है, इसके साथ ये जोड़ना है, उसके हिसाब से मैं सारी कटिंग वगैरह करती हूँ और फिर आपके सामने शुरू हो जाती हूँ। क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस करती होती तो एक बैग पहले ही आपको बना के दिखा चुकी होती, जैसा कि लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपना बैग पहले भी दिखाई दीजिए। तो खैर अब आप लोग को बता दूँ कि एडिटिंग मैं सीखने वाली हूँ, और अब आप लोग को परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी और सब आप लोग ढंग से और सीख सकेंगे। ये इतना पीस बढ़ा हुआ है, इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे, और अब ये जो हमारी जिप है, ये जो हम आ गई है सिलाई, अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से संभाल के इस तरह से फिनिशिंग जिप के ऊपर, और थोड़ा सा जो बीच में जिप जहाँ पे रनर लगता है उसका एरिया थोड़ा सा छोड़ते हुए हमें ये पूरी पाइपें लगानी है, ताकि हमारा रनर ना फंसे। इस तरह से इसमें हमें इस तरह से पूरा इसको कवर कर देंगे।
अभी हमारा एक हिस्सा हुआ है, अब हमें दूसरा भी लगाना है। इसके लिए थोड़ी पाइपिंग कम पड़ गई है, जैसा कि मैं बताती हूँ कि मैं बढ़ा के रखती हूँ, लेकिन कभी कभी कम पड़ जाती है, क्योंकि पूरी तरह से अंदाजा लगा पाना पाइपिंग वगैरह का खास तौर पे, और जहाँ तक मेरी इमेजिनेशन की बात है उसमें कम पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि मैं कब कहाँ क्या चीज़ जोड़ दूँ मुझे खुद भी पता नहीं रहता है। हमारी पाइपिंग आ गई और अब इसको हम दूसरा साइड भी जोड़ देते हैं। इधर सेम प्रोसीजर, ये अब इसको हम यहाँ पे खोल देंगे, इस तरह से पूरी जिप अलग कर देंगे ताकि हमको जोड़ने में आसानी हो जाए। इसको यहाँ रखेंगे और ये पाइपिंग नीचे रखेंगे, यहाँ पे बराबर ही रखनी है, इसको तो बाद में कवर करेंगे हम लोग। चलिए अब इसको हम फाइनल कर देते हैं। अब इसको भी हम फिनिशिंग दे देंगे, हैंडल अंदर ही रखना है ताकि मशीन के नीचे ना आ जाए। खूब सफाई से मुड़ते हैं, और जितनी दूरी पे मशीन चला के अभी पाइपिंग जोड़ी थी बस उसी पर हमें पाइपिंग को डबल करके सिल देना है, तो दूरी अपने आप बनी रहेगी और सफाई भी आ जाएगी, जो पहली स्टेप थी वो भी नहीं दिखाई देगी। ये हमारी पाइपिंग भी जुड़ गई, अब इसमें हम रनर डालेंगे। ये रनर ले लेते हैं, एक रनर इसमें डालेंगे, आज के वीडियो में शायद मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी मेरी डाउन है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं, कोई वीडियो आपको एक अच्छा सा दे सकूं ताकि आपका काम चलता रहे, और मेरा भी थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों को मैं कुछ बता पाई। ये देखिए एक सिर्फ हमारे यहाँ पड़ गई है इधर से, अब दूसरी सिर्फ हम इधर से डालेंगे, तो दूसरी जिप डालने से पहले हम इसको यहाँ पे बंद करेंगे, जो हमारा पाइपिंग वाला कपड़ा है उसी को लेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से करके पहले हम इसको इस तरह से जोड़ देते हैं। इससे एक तरफ का हिस्सा हमारा बंद हो जाएगा, जो बड़ा हुआ हिस्सा है सफाई के साथ
तरह से। इसको यहाँ पर मोड़ देंगे, मोड़ के और सिल देंगे इस तरह से। मतलब इसको ब्लॉक करना है हमें, पाइपिंग से पूरी तरह से बंद करना। ये हमारा बंद हो गया। अब इधर से हम रनर डालेंगे। ये हमारा रनर अभी ठीक से नहीं पड़ा बराबर से। ये पड़ गया। अब इसमें जो हमने ये वायर निकाला था इसको यहाँ पे कट करेंगे और ये दोनों हिस्सा जो है, जो इधर वाला, ये जो बड़ा वाला था ये तो हमारा इधर है, ये 3 इंच वाला। अब ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम यहाँ पर पाइपिंग लगा करके पैक करेंगे। पाइपिंग बहुत बड़ी नहीं लेनी है, बहुत छोटी सी लेनी है। और इस तरह से इसको हम यहाँ पर पैक करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे यहाँ पे। ऐसे पलटेंगे यहाँ पर, ये हमने थोड़ा बड़ा लिया था इसको। बस ब्लॉक करना है, इतना बड़ा कपड़ा हमें चाहिए। इसको हम यहाँ पे अंदर मोड़ते हुए सारे कपड़े को, और इसको भी यहाँ पे इस तरह से मोड़ेंगे। और इसके ऊपर ये पाइपिंग चढ़ा के हम सिल देंगे। बहुत सफाई के साथ इसको यहाँ पे हमें ब्लॉक करना है। ओहो, इसी समय दादा निकलने का, थोड़ा सा और से ही। यहाँ पर थोड़ा मोटा हो गया है इसलिए मशीन को हम बैक स्टिच में जल्दी नहीं करते हैं, नहीं तो सुई भी स्टिच में कटा जाता है और फिनिशिंग भी नहीं आती है। अब ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है, ये देखिए, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये हमको पूरी पॉकेट इस तरह से इसमें मिल जाएगी। इसके अंदर पूरी 1 पॉकेट, 2 पॉकेट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 पाउच के अलावा इतनी स्पेस हमारी इधर आएगी, बीच में आएगी और इस साइड आएगी। ये देखिए यहाँ पर आएगी इस 9x10 के बीच में, है ना। तो ये हमारी कुल मिला के 11 पॉकेट तैयार हो गई है, और ये हमारा कुछ इस तरह से बैग तैयार हो गया है। और इसमें अब हम जो हमारा ये बाहर वाला केरिंग है जो बढ़ा हुआ है इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइनर पर्सनल हैंडबैग तैयार हो जाएगा। तो आज थोड़ा सा टाइम लगा बैग बनाने में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।